हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज दोस्तों जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक होम थिएटर की है। दुबई से आया हुआ है, ये जी पास कंपनी का है और इसमें प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो इसका ये मेन ट्रांसफार्मर था जो पहले ख़राब था, अभी तो चेंज कर दिया है पर है अभी अल्मीनियम का। तो उससे आगे क्या है कि इसका जो बोर्ड है इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसके ये तीनों आईसी ख़राब हैं और मैंने एक एक बार आईसी नए भी लगाए पर प्रॉब्लम फिर के आईसी ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसी होम थिएटर में एक नया बोर्ड लगाने जा रहा हूँ। ये वाला बोर्ड है, मोंटी कंपनी है और ये जो हमारा होम थिएटर है ये 2.1 ये वाला है। तो ये वाला बोर्ड हम इसमें लगाएंगे आज। काफ़ी पुरानी कंपनी है, सेंस 1976 में है। तो ये इन्होंने बोर्ड बनाया है। बोर्ड इतना देखने में कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, सिंपल सा है, कोई इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बिल्कुल हल्का सा बोर्ड है। पर जो हमारा क्या है कि 2.1 ही है तो इसमें चल जाएगा। इसमें क्या है कि एक तो ये हीट सिंक इसका काफ़ी हल्का है, तो हीट सिंक मैं जे वाला उतार के इसमें साथ में ही लगा दूंगा। इससे जो आईसी की हीट है वो काफ़ी कम होती रहेगी। और जो इसके कनेक्शन है वो कैसे लगाने हैं, सबसे पहले आते हैं स्पीकर। ये देखिए 1, 2, 3, ये जो तीन है ये स्पीकर के हैं। ये बीच वाला सिरा इसका कॉमन और एक लेफ्ट और एक राइट, ये एक लेफ्ट और एक राइट है। और जहाँ पर 12012, क्योंकि जो होम थिएटर है ये 12012 पर चलता है, 012 वाला इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा क्योंकि इसको जो आईसी है 20-30 नंबर है इसका। और इसको जो सप्लाई है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग तरह से मिलती है। तो ये यहाँ पर सप्लाई होगी आपकी ट्रांसफार्मर की और ये है वॉल्यूम कंट्रोल एंड आउटपुट। एक जगह वॉल्यूम कंट्रोल लगेगा और एक जगह इसका आउटपुट निकलेगा, जैसे कि हमने आउटपुट है जहाँ पर इनपुट है, इनपुट जहाँ पर लगेगी आउटपुट तो स्पीकर की हो गई, ये आउटपुट स्पीकर की होगी। और ये इनपुट है, ये जो ये वाला जैक है, थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट ऐसे करनी होगी कि क्योंकि ये जो जैक है ये पहले और किस्म के हैं, अभी ये और है, तो हम बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे लगेंगे। और उससे आगे ये लिखा है वूफर, जो इसका सब वूफर है ये 5 इंच का जो देख रहे हो आप, तो इसकी जो वायर होगी यही है ये वाली, तो ये यहाँ पर लगेगी। और ये लिखा है बास, जो आगे बास के लिए कंट्रोल है ये वाला, तो इसमें ये जो पॉट है ये लगेगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड लगाना होगा। मैं अभी आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर देना है। तो अगर आपने भी कोई अपने ख़राब होम थिएटर का बोर्ड बदलना है तो इस तरह से बदल सकते हो। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह से कनेक्शन होंगे, क्योंकि इसमें ये कनेक्शन आप देख रहे हो इसमें बास और ट्रेबल दो है, पर इसमें सिर्फ बास ही है, इसमें सिर्फ बास ही है और इसमें बास ट्रेबल है दोनों। तो ये कनेक्शन आपको एक बार देखने पड़ेंगे कि किस तरह लगेंगे। ये मेन ट्रांसफार्मर है, इसकी जो ये ग्रीन वायर आप देख रहे हो बीच वाली वायर है,
इसे हम जीरो वोल्टेज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर भी आप देख लो 12 0 12 लिखा है, तो जीरो पर हम ये लगा देंगे। और जो दोनों ये बाकी बची हैं, ये 12 12 वोल्टेज की है, ये आप साइड में लगा दो। इसमें किसी भी साइड में आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रहता, सिर्फ आपको वोल्टेज का पता हो कि आपकी जीरो वोल्टेज कौन सी है और 12 वोल्टेज कौन सी है। ये हमने इसकी लगा दी 12 0 12 की। अब दोस्तों इसकी रह गई है, इसके बाद हम ये है स्पीकर की आउटपुट, जो ये आउटपुट लिखा गया है, तो ये वाला जैक देखेंगे। इसमें भी ये 3 वाला जैक है, तो लगाकर देख लेते हैं जहां पर स्पीकर लिखा हुआ है। और चलो ये तो आ गया, ऐसे ही आ गया। और ये इसका है आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पेन आउटपुट की है, तो ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम जो इसके वॉल्यूम कंट्रोल के कनेक्शन है वो देखते हैं। इसे बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, और ये देखें यहाँ पर ये वायर है वॉल्यूम कंट्रोल और ये है बास ट्रेवल के लिए। तो इसमें अभी क्या है कि एक सप्लाई भी आ रही है जो एलईडी यहाँ पर जलेगा उसका। तो हम अब इसके जो वॉल्यूम कंट्रोल के कनेक्शन लगाने जा रहे हैं, जो पहले कनेक्शन थे पहले बोर्ड के वो काफी अलग थे, तो अब हम जो जहां पर कनेक्शन लगाएंगे तो ये और तरीके से लगेंगे। तो इसके लिए सबसे मैं तो ये करता हूं कि जब मुझे पता ना चले कनेक्शन का, तो सबसे पहले हम इसकी जो स्पीकर वाली यहां पर है वायर, उसमें एक स्पीकर लगा लेना है आपको। एक स्पीकर लगा लो और उसके बाद आपने इस पर ऑडियो देखनी है, ये इस तरह से एक चैनल की ऑडियो यहां आ रही है और जो दूसरा चैनल है उसकी ऑडियो भी हम देख लेते हैं। इसकी जो ये 2 नंबर पेन और 5 नंबर पेन, इस पर ऑडियो आ रही है, तो इस पर ऑडियो आप निशान लगा दो कि ये ऑडियो की पेन है। जो इन्होंने ये 1 नंबर पर पेन दी है, इस पर सप्लाई 12 वोल्ट की क्लिप आ रही है, ये देखिए। ये मेरे ख्याल में एलईडी के लिए ये लगाया गया होगा। इसके कनेक्शन के लिए दोस्तों हमें ये वायर चाहिए, इसको बोलते हैं रिबन वायर। ये 10 वायर एक साथ जुड़ी रहती हैं अलग अलग कलर की, तो 3 वायर हम लेंगे बास कंट्रोल के लिए और 3 वायर होगी वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। इस तरह से ये ग्रुप बना रहता है, ये वॉल्यूम बास कंट्रोल और ये ऊपर वाला वॉल्यूम कंट्रोल होगा। तो इसमें ये वायर 3 3 करके हम लगा देंगे। ये वॉल्यूम है, मैं आपको एक बार कनेक्शन फिर बता देता हूं कि ये हमारी ऑडियो थी 2 नंबर पेन और 5 नंबर पेन, जहां से हमने 2 वायर उठाई और सीधी वॉल्यूम कंट्रोल के जो ये बीच वाले दोनों सिरे हैं इस पर दे दी, रेड और ब्राउन। और जो साइड वाली ये है पेन वॉल्यूम कंट्रोल की, ये ग्राउंड है, जहां से ग्राउंड होता हुआ ये जो आपका बेस कंट्रोल है एक जहां पर आती है, तो ये जो दोनों बाकी बच गई वायर बेस के लिए वो मैं जहां पर लगा दी है, और जहां से ही ग्राउंड भी यहां से लगा दिया है।
तो ये कनेक्शन तो हो गए ऐसे इसके, और जो जहां पर एक जम्पर लगा था मैंने आपको पहले दिखाया था 12 वोल्ट का, तो मैंने वहां पर एक 1K की रेजिस्टेंस लगा दी है ये एलईडी जलाने के लिए। कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं, तो मोबाइल पर ही चेक करेंगे।